आदमी हूँ। मैं बलिदानी कांड के वक्त श्री राम चंद्र जी का बड़ा बेटा हूँ। मेरे पिताजी सन 1990 का अल्मोड़े वाले आए तेरे धाम, बोलो बोलो जय सिया राम। सुबह नाश्ता हो रहा है दूध और ब्रेड का। मोहनदा ने डाल दिया है दूध इसमें, मोहनदा ने इसमें दूध डाल दिया है और ब्रेड भी आएगा। यह है मुलायम भाई, चलो तो जलेबी आ गई है गर्मा गर्म। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम दोस्तों। तो आज मेरा है 11वां दिन और आज मैं पहुंचने वाला हूं अयोध्या, जो फाइनल मेरी डेस्टिनेशन थी। मैं आज उसके बहुत करीब हूँ, 70 किलोमीटर यहाँ से लगभग दूरी की दूरी पे है अयोध्या। तो सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम, जय सिया राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मेरी नई सुबह 11वें दिन में आपका स्वागत करता हूँ। ये रहा मंदिर का प्रांगण और यहाँ पर लगाया था हमने टेंट, ये लगा है मोहनदा का टेंट, वो खड़ी है अपनी पीछे साइकिल्स। तो चलो इसको बांधते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो वंदे मातरम, जय सिया राम दोस्तों। आज मेरा है 11वां दिन और मैं चला हूँ अल्मोड़ा से अयोध्या की साइकिल राइड पर। कल रात्रि विश्राम मेरा श्री श्री महामंडलेश्वर नारायणपुरी में था। जो मंदिर है ये गुरु बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो मंदिर है गुरु महाराज जी का मंदिर है और ये अजय मोह में स्थित है यहाँ पर। आज का जो प्रण था मेरा था 20 तारीख हम अयोध्या पहुँच जाएंगे, तो आज शाम तक हम अयोध्या पहुँच जाएंगे। यहाँ से अयोध्या बसता है 60 से 70 किलोमीटर। जो जो राम भक्त मेरी यात्रा से जुड़ना चाहता है वो इस चैनल को फॉलो करो, ताकि मैं जब मैं अयोध्या पहुँचूँ तो राम जी के दर्शन आपको करवा सकूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो नए हैं कमेंट में लिख दें जय सिया राम, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। जय सिया राम। कहाँ से हो आप? हाँ, इसी गांव से। क्या नाम है आपका? मुलायम। मुलायम यादव। तो सुबह सुबह हो रहा है दूध और ब्रेड और पाले जी का नाश्ता, तो इसको पूरा खाते हैं इसे और निकलते हैं अपनी यात्रा पे। आज की यात्रा होने वाली अयोध्या तक की, और चलो अयोध्या पहुँचते हैं फिर पीने के बाद और दिखाते रहते हैं आपको आगे क्लिप्स, तो बने रहिए मेरे साथ। इस रास्ते से आएंगे तो पक्का यहीं रुकेंगे हम, क्योंकि यहाँ तो चलते हैं भाई लोगों। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बाबा जी, जय जय। तो छोड़ते हैं मंदिर के प्रांगण को और यहाँ पर अब हमने यहाँ से चलते हैं अपने साइकिल को और निकलते हैं आगे की तरफ को अपनी अयोध्या यात्रा को। कल रात हमने यहीं पर रात्रि विश्राम किया। ये लोग जितने देख रहे हैं सारे लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प करी, हमें दूध बिस्कुट और ब्रेड सारी हमारी इतनी हेल्प करी, और आग यहाँ आग सेकने को मिली रात को, आग में हम लोगों ने खाना भी बनाया। तो इन बड़े भाइयों लोगों का प्यार मिला है सबका मंदिर में महामंडलेश्वर नारायणपुरी। और क्या भव्य मंदिर था, क्या रात्रि विश्राम हमने किया, हमने रात्रि विश्राम कल वहाँ पर किया था। और सब प्यारे प्यारे भक्त, राम भक्त सब एक बार जयकारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज की यात्रा शुरू हो गई है, मंदिर का प्रांगण हमने छोड़ दिया है। तो फाइनली गाइज अपनी यात्रा शुरू हो गई है और जय श्री राम सभी राम भक्तों को। और कल रात हम रुके थे श्री श्री महामंडलेश्वर महागुरु मंदिर से, गुरुधाम से। यात्रा करते हैं अपनी आगे को प्रारंभ और चलते हैं आज की इस यात्रा पे जो कि रहने वाली है अयोध्या तक। तो देखो वो दिख गई है हमें, जंगली मुर्गियां ही मुर्गियां हैं यहाँ पर, कम से कम 10 से 15 मुर्गियां हैं दिख रही हैं अभी तक। और चलो तो यात्रा हमने शुरू कर दी है। तो आज मेरा है 11वां दिन
और आज मैं पहुंचने वाला हूं अयोध्या, जो फाइनल मेरी डेस्टिनेशन थी। मैं आज उसके बहुत करीब हूं, 70 किलोमीटर यहां से लगभग दूरी पे है अयोध्या। और कल रात मैं रुका हुआ था नारायणपुरी महाराज जी के पास, और क्या अच्छा अरेंजमेंट था, सब कुछ हमारा बढ़िया था। हमने टेंटिंग करी, हमने वहाँ कैंपिंग करी, और हमने खाना बनाया और वहाँ खाना खाया था। तो वो आपको वीडियोस भी दिख जाए, वीडियो में दिख जाएगा। तो जो जो नए हैं इस चैनल पे, तो इस वीडियो को पक्का लाइक करें और कमेंट पर लिखें जय सिया राम, और मैं सभी राम भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जय सिया राम। जय सिया राम। तो भेलसर यहाँ से है अभी लगभग 20 किलोमीटर। तो राम का नाम रटते रटते बीत जाएंगी सारी डगरियाँ। तो राम का नाम हम जपते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं प्रभु श्री राम जी का। और अपने सफ़र जो चल रहा है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, सभी सफ़र चल रहा है हमारा, और क्या ही बढ़िया मज़े आ रहे हैं सफ़र करने में। 600 किलोमीटर कहाँ बीते बिल्कुल पता ही नहीं चला इस सफ़र में। कोई थकान नहीं किसी चीज़ की भी, कोई ज़रूरत नहीं, बस राम का नाम लेके चलते रह रहे हैं और चलते जा रहे हैं, सारे काम प्रभु श्री राम बना रहे हैं। कुछ ही दूर आगे चलते हुए एक भाई ने चाय के लिए इनवाइट करा है, तो यार सुबह से चाय नहीं पी है, तो चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। आगे दिखाता हूँ आपको कौन भाई है। ये रहे भाई, नियामतगंज में इसमें हैं हम। बहुत ही चाय मिल जाए ना तो बात ही अलग है उसकी। अभी चाय पी के एक चुस्की मार के, मतलब इतना हल्का सिर में दर्द जो था रात का और सुबह से हल्का हल्का था, वो दर्द ख़त्म हो गया। देखिए सारे भक्तगण राम भक्त पूछ रहे हैं कहाँ से आ रहे हो और साइकिल कैसे लेके आ रहे हो, गियर वाली साइकिल है क्या है क्या नहीं है, सारे भक्त लोग। तो सुबह सुबह यहाँ देखिए जलेबी फाफड़ा और जो गोजे हमने आपको दिखाए थे वो गोजे भी हैं यहाँ पर, गोजे अपने तरफ से खिला रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब राम भक्त सब हमारी साइकिलों को देखने में लगे हुए हैं। तो सब एक बार जयकारा लगाएंगे श्री राम के नाम का। जय सिया राम। तो जलेबी आ गई है गर्मा गर्म, अभी चाय के साथ। तो बड़े भाई का नाम एक बार पूछना चाहता हूँ। संतोष कुमार मौर्य जी, जय श्री राम भाई ने मल्ले हमको चाय के लिए पूछा, चाय पिलवाई, जलेबी खिलवाई और अपने इतने बड़े झंडे के साथ हमारा शूट भी करवाया। तो जो जो बंदे नए हैं तो चैनल में देख सकते हैं वीडियो को मेरी इस वाली को। तो धन्यवाद भाई जी, जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। सराई बराई। तो फाइनली पहुंच चुके हैं सराई बराई पे, और यह छोटा सा कस्बा सराई बराई का। जय सिया राम। ये चल रहे हैं मनोज भाई। जय सिया राम। जय सिया राम। सराई बराई। जहां कल हम रात जिस जहां आश्रम पे रुके हुए थे, तो वहां के लोगों से हमने आपस के लोगों से कुछ बात करी, तो वहाँ के जायज़ा थोड़ा माहौल का जायज़ा लिया, और उन्होंने बताया कि थोड़ा सा आगे जाते आपको 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे जाके आपको मिनी पाकिस्तान मिलेगा। मैं सौ हो गया। मैंने कहा मिनी पाकिस्तान मतलब क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर सब मोमडन्स लोग हैं और मतलब थोड़ी उनकी हरकतें सही नहीं हैं, रात को वहाँ को आपको जाना सही नहीं रहेगा, आप यहीं रुक जाओ। तो चलो देखते हैं मिनी पाकिस्तान कैसा है। अपनी साइकिल्स का सफर। तो भेलसर यहाँ से बच चुका है 8 किलोमीटर और अयोध्या 48। तो हम तकरीबन चल के आ गए हैं 27 किलोमीटर से ऊपर, और अयोध्या बच गया है यहाँ से 40 किलोमीटर। इस समय ऐसा महसूस हो रहा है
कि मैं राम जी के बहुत नज़दीक हूँ। तो यहाँ पर ऊपर बैठे हुए लंगूर, ये बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलते हैं। भाई जी, ये मंदिर कौन सा है? मंदिर पक्का तालाब सूजागंज। तो अभी हमें सूजागंज फैज़ाबाद, और यहाँ पर एक मंदिर है पीछे मेरे, आप देख रहे होंगे पीछे मंदिर है, बनाए हैं लंगूर, तो बहुत ऐसे कम मंदिर मिलता है। बाकी ये रहे भाई जी, और इन्होंने हमें रोक दिया है चाय के लिए, तो चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे को। यह वही राम जन्मभूमि आंदोलन में जिस समय अमर वीर हुए थे बलिदानी, इनका नाम है राम अचल गुप्ता जी। राम अचल गुप्ता जी की यहाँ पर पावन अयोध्या भूमि में अमर हुए थे, समाधि स्थल ये रहा। जय श्री राम। बहुत अच्छा काम करा हुआ है राम जन्मभूमि के लिए। जो भी देखने जा रहे हैं वो उन्होंने कर दिया है, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम उसी देख रहे हैं। जय श्री राम। समोसा और चाय पीते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं आगे को अपनी अयोध्या यात्रा पे। तो ये भाई जी ने जो हमें रोका हुआ है ना, यहाँ पर एक महत्व था उसका भी, कि जो बलिदान दिया था हमारे श्री गुप्ता जी ने, उनको बहुत बहुत बढ़िया किया इन्होंने, हमें रोका और हमें ऐसा मंदिर और ऐसा सौभाग्य मिला। राम अचल गुप्ता जी का भव्य मूर्ति देखने को मिली और उनके बारे में कुछ जानने को मिला। मैं बलिदानी का सेवक श्री राम अचल जी का बड़ा बेटा हूँ। मेरे पिताजी सन 1990 का कार सेवा करने गए, जो गोलीकांड में वो बलिदान हो गए थे, उनका सपना पूरा हो रहा है, ये हमारे लिए की बहुत गौरव की बात। जय श्री राम। वो अभी मंदिर से कम नहीं है इस समाधि स्थल, अभी महत्व श्री राम अचल गुप्ता जी का महत्व अभी समझ में आ रहा है लोगों को। और उनके इष्ट पुत्र से हमने मुलाकात करी तो उन्होंने बोला कि हमारे घर चलिए, मैं आपको कुछ फ़ोटोज एल्बम दिखाता हूँ। तो अभी समय का अभाव, राम मंदिर बहुत नज़दीक, अभी पूरा राम मंदिर को जाने का हमारा उत्साह बरकरार है। तो अभी राम मंदिर को चलना है, फिर हमने वादा किया है कि उनसे कि हम आते समय आपसे पक्का मिलेंगे और उस समय बातचीत होगी इस पर। ओम मन कामनेश्वर शिव आश्रम मुस्काबाद में हम थोड़ी देर रुके थे यहाँ पर, और ये बाबा जी हैं। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये है मन कामेश्वर मंदिर, शिव जी और हनुमान जी एक साथ विराजमान हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे, पेंट वेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलते हैं यहाँ से राम मंदिर अयोध्या की तरफ। अब ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर बच गया है राम मंदिर अयोध्या, और दिल में इतनी खुशी और इतना सुकून मिल रहा है कि हम 600 किलोमीटर लगभग हम करके अल्मोड़ा से अयोध्या की नगरी में पहुंचने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। तो भेल से 0 किलोमीटर और यहां से लग जाता है अयोध्या का जिला, अयोध्या यहां से बसता है 40 किलोमीटर। तो चलो चलते हैं अयोध्या की तरफ को, अयोध्या बाया मोड़ना है हमें, और जय श्री राम का आल्ट बना रखी कितनी प्यारी प्यारी। ग्वालियर से मिला हमें एक और भाई साइकिलिस्ट। आज कितने दिन हो गए आपको? छठवा दिन है। श्री राम। तो ये आ गया है बरई कला यहाँ से, यहाँ पर दिखा रहा है, और कुछ राम भक्त और मिल गए हैं। 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। खड़ी मोहनदा जरा हल्का सा वही वाला, यहाँ पर खड़ी है साइकिल है अपनी, और अयोध्या धाम मिल यहाँ पर से है 40 किलोमीटर, और ये आए हैं अपने कुछ और भाई लोग। जय सियाराम, जय जय सियाराम। चल रहे हैं राम भक्त अपनी साइकिलों पे। जय सियाराम, जय जय सियाराम। तो यार अचानक वहाँ से आते हुए अभी हमको दिख गया है श्रीकुंज भोजनालय, और यहाँ पर खड़ी कर दी है मैंने अपनी साइकिल, और ये मोहनदा की और ये मनोज की साइकिल है। तो यार खाना वाना कुछ खा लेते हैं, क्योंकि पेट में थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है खाने की वजह से ही हो रहा है। ज़्यादा पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, क्योंकि साइकिलिंग में ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, पसीना तो आ नहीं रहा है क्योंकि ठंड का मौसम है, तो थोड़ा बहुत पानी पी रहे हैं, लेकिन पानी भी बहुत ठंडा है।
तो उससे थोड़ा बहुत ना पेट में जरा मरोड़ टाइप में आ गई है। तो चलो कुछ खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे अपनी यात्रा पे। आगे है अपना खाना, यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी जो हमें रास्ते में पहली बार खाने को मिल रही है, दाल अरहर की और प्याज और सलाद मिल रहा है और मटर पुलाव और रोटियाँ गर्म गर्म आती रह रही हैं। तो चलो भूख बहुत लग रही है, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, पहले चलो ठोसते हैं पूरा अंदर तक और फिर निकलते हैं अयोध्या धाम की तरफ। तो सब बोलेंगे मिल के जय श्री राम। तो खाना खा के निकल चुके हैं अयोध्या की तरफ। अयोध्या यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर बसता है। अयोध्या की तरफ को बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है इस समय। तो पहला ओवरफ्लाई मिला है पूरी राम यात्रा पे अभी तक। जिन्हें मेरी अमरनाथ जी वाली सीरीज नहीं देखी है साइकिल यात्रा की, उसको भी देखो, उसमें भी प्यार बरसाओ थोड़ा बहुत। जय श्री राम का नाम उसमें भी आना चाहिए और हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिख देना वो वीडियो अगर देख रहे हो तो, और जहाँ से देख रहे हो वहाँ का नाम और अपना नाम एक बार प्लीज़ मेंशन कर देना ताकि मैं उसको स्टोरी लगा सकूं। रौना ही टोल है ये, अकबरपुर सुल्तानपुर 78 और 76 किलोमीटर। अयोध्या बचा है 22 किलोमीटर और मेरी साइकिल में शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ब्रेक में ब्रेक लग नहीं पा रहे हैं सही टाइम पे, या तो ऑयल ख़त्म हो गया या प्रेशर ख़त्म हो गया इसका। चलो दिखाते हैं आपको, बने रहिए मेरे सफर में मेरे साथ ही। अयोध्या बचा है यहाँ से 6 किलोमीटर से 20 किलोमीटर बचा है मात्र। राहुल भाई किसका वेट कर रहे हो यार? कम से कम ना 6-7 किलोमीटर बताया था पीछे से और 7 किलोमीटर आने में हमें 3 से 3.5 घंटा लग गया है। एक दो दिक्कतें आई साइकिल में वो सुधारने लग गए थे, उसके बाद यहाँ से वहाँ तक जाने 5 किलोमीटर जाने में हमारे ऐसी ऐसी हो गई है। इतनी भीड़, इतना सम्मान, इतना अभिनंदन पूरे अयोध्या वासियों का बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। मतलब बात करते करते इन लोगों से अभी हम वेट कर रहे हैं मोहनदा का, मोहनदा आते हैं पीछे, उनको रोक दिया गया है।